Hello everyone, please mute the mics, there's a lot of disturbance. Thank you. Okay, till now we have covered a lot of things. Now I want to go to the flashback, मतलब एक बार पीछे का discuss कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम tenses शुरू करेंगे आज. ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात मैं एक बार कर लूं आपसे, क्योंकि कुछ जो सेकंड बैच से हैं दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, उनको समझ में थोड़ा कम आएगा, तो लेकिन फिर भी अगर आप वीडियोस देखेंगे देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. ओके, तो सबसे पहले तो मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करूंगा. किसकी बात करूंगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर की. अच्छा, डोंट से अच्छा, से ओके. ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर. इसका मीनिंग है सेंटेंस बनाने का या सेंटेंस का ढांचा, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, यू अंडरस्टैंड, फ्रेम, मतलब कि कहां पर कौन सी चीज आती है वो हमें इससे पता चलता है. जब हमने कुछ बोलना है या हमने लिखना है तो कौन सी चीज आगे आएगी, कौन सी बीच में आएगी, कौन सी पीछे आएगी, और है ना, हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे नहीं लगेंगे, वर्ब्स कौन से लगने हैं या वर्ब्स किसको कहते हैं, वो सब एक बार डिस्कस कर लेते हैं. So everyone please focus. Yes. Okay. सबसे पहले तो I want to discuss noun and pronoun. ये किसको किसको पता है? Me. जी. Okay. Noun क्या होते हैं? Noun name of the person, places or thing and idea. Idea, right. Idea or extract. ओके, नाउन होते हैं नेम्स. किसके नेम्स? पर्सन के, यानी व्यक्तियों के नाम, वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो. ठीक है, नेम ऑफ पर्सन. और ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पर्सन, लाइक दिस. ओके, पर्सन्स के हो गए, लड़का लड़की सबके नाम यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, एनिमल्स के नाम भी यहाँ आ जाएंगे. प्लेस, things, things मतलब जगह हो गई, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, इंग्लैंड, अमेरिका. ठीक है, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ये सब प्लेसेस के नाम आ जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, thing, यानी thing मतलब चीजें, चीजें, वस्तुएं. ठीक है, जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कॉपीज, बुक्स, कार या बस, ट्रक, सब यहाँ पर आ जाएगा things में. एंड आइडियाज, आइडियाज और फीलिंग सब इसमें आ जाते हैं. आइडियाज जैसे सैड हो गया, मूड्स इसमें आ जाते हैं, सैड, हैप्पी मूड, या एक्साइटमेंट इसमें आ जाएगी, फीलिंग्स आ जाएंगी इसमें, या फीलिंग फेवरेज, थोड़ा बुखार फील हो रहा है ऐसा, मतलब ये सब आइडियाज, फीलिंग्स, मूड्स इसमें आ जाते हैं. सारे होते हैं नाउन्स. प्रोनाउंस किसको किसको पता है? जी, प्रोनाउन उसके बारे में, शी, शी, ही. ठीक है, बेसिकली प्रोनाउन होता है जो इसकी जगह पर, नाउन्स की जगह पर यूज होता है. जी जी, जैसे मान लो हमने, अब सारे जने ध्यान से फोकस बना के अंडरस्टैंड कर लेना. ओके, हमने सेंटेंस बनाना है सोनम, ओके सर, या फातिमा, इन दोनों में से कोई भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर गोज. ठीक है, सोनम गोज, फातिमा गोज, राइट, ये सेंटेंस हो गया.
अब यहाँ पर हमने नेम ऑफ टू गर्ल्स यहाँ पर यूज किया है, सोनम का और फातिमा जी का यूज किया है, ठीक है जी। अब हमें सेकेंड सेंटेंस बनाना है। एक तो हमारा यूज कंप्लीट हो गया, सोनम गोज या फातिमा गोज, राइट। सेकेंड हम ये करेंगे शी, सॉरी शी गोज ऑन, he goes, she goes car, या फिर बाय कार, कुछ भी, ठीक है जी। तो जी, हम सेकंड बना रहे हैं, सॉरी ये। अब यहाँ पर हमने नेम यूज नहीं किया है, ठीक है, हमने इसकी जगह पर क्या यूज किया है, दिस इज प्रोनाउन, प्रोनाउन राइट। तो शी है यहाँ पर, शी, क्योंकि ये दोनों गर्ल्स हैं, राइट, फीमेल्स हैं, तो यहाँ पर हम शी यूज करेंगे। बॉयज के लिए जी यूज होगा, ठीक है। एनिमल्स के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए, चीजों के लिए इट यूज होगा जी। अच्छा, इट, इट यूज होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रोनाउंस की भी बता दिया है कि प्रोनाउंस किसको कहते हैं, ठीक है। जो भी, जिनको भी नहीं पता, देखो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको पहली चीज तो ये समझना है कि ये जो नाम होते हैं इनको नाउंस कहते हैं, और जो नाम की जगह पर यूज करने वाली लिस्ट है, ये शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, ये प्रोनाउन है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें नहीं समझ आने वाली कोई भी चीज नहीं है जी, जी। नाम नाउन्स होते हैं, उनकी जगह पर जो यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, राइट। अब प्रोनाउन क्या क्या है, देखो, ही, शी, इट, दैट, वी, या ये सारे प्रोनाउन जो भी नाम की जगह पर यूज हो सकते हैं वो सारे प्रोनाउन्स है, राइट। ओके भैया, ये चीज हो गई नाउन प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होते हैं और नहीं भी होते, वो हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस यूज किया ना, सोनम गोज या फातिमा गोज, तो ये तो हम कर लिया था कि ये नाउन प्रोनाउन है, ये वाला है ना, नाउन प्रोनाउन है, ये नाउन प्रोनाउन है, ये नाउन हो गई, नाउन हो गई। अब ये क्या है, दिस इज वर्ब, राइट। वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब वैसे इसकी हिंदी में क्रिया, एक्शन करते हैं, लेकिन ये क्या है, काम है ना, एक्शन, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी हलचल हो रही है, कोई भी हिलना हो रहा है, चलना हो रहा है, घूमना हो रहा है, फिरना हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, सोना हो रहा है, जगना हो रहा है, उठना बैठना, खाना पीना, फ्रेश होना, ये सारे वर्ब्स हैं, राइट। ऑल दीज आर वर्ब्स। वर्ब्स की तीन फॉर्म्स होती है, वर्ब की तीन फॉर्म्स होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको आनी चाहिए। इसको बेसिक वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, बेसिक, बेसिक, या बेसिक, ठीक है, सारे इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे गो हो गया, या काम हो गया, स्टैंड हो गया, है ना। तो ये सारे वर्ब्स हैं, मेरे को आई होप सबको समझ में आ रहा है ना, जी जी, यस यस यस। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, उसके बाद इसमें चीजें ऐड हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स ऐड हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब ऐड हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है, चीजें, थिंग्स, थिंग्स यानी चीजें, राइट। जैसे मान लो यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया है, सोनम गोज, फातिमा गोज, ठीक है, किस चीज से जा रही है वो, बाय कार, कार के अंदर बैठ के जा रही है, बस पे जा रही है, ट्रक पे जा रही है, कहाँ जा रही है वो ऐड हो सकता है, किस चीज से जा रही है वो ऐड हो सकता है, तो ये सब चीजें बाद में, लेकिन ये होता रहता है, मतलब ये आगे आगे हम सीखते जाएंगे तो हमारी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, बेसिक है, वो सब स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये दो चीजें आनी चाहिए, नाउन प्रोनाउन और वर्ब्स आने चाहिए, राइट। इसी से आपकी इंग्लिश स्टार्ट होती है, राइट। तो आज ये मैंने बेसिक करवाना था कि आप सबको समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ बता दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और बेसिक भी हमने कर लिया है कि गो, कम, स्टैंड, जहां से वर्ब स्टार्ट होते हैं, तो ये सारे आपको आने चाहिए, ठीक है भैया। या इसकी सेकंड फॉर्म भी बता दीजिए और थर्ड फॉर्म भी, वैसे पता है बट ध्यान नहीं है।
जसप्रीत मैम, इन सबको आपने लिस्ट नहीं सेंड की है वर्ब्स की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और मीनिंग्स वाली? चलो जसप्रीत मैम शायद ऑडिबल नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो जिसके पास भी लिस्ट नहीं है वो मैम से लिस्ट ले लो, ठीक है? पहले 100 वर्ब्स की लिस्ट ले लेना, ओके? ठीक है, 100 वर्ब्स की लिस्ट वर्ब की शीट भेजी थी, हाँ, तो आपको उससे याद करना था ना, ठीक है? लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ, जैसे गो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखी हमने गो, तो गो की क्या होगी? गो went, stand इसकी स्टूड होगी सेकंड फॉर्म, स्टूड, और यहाँ थर्ड भी स्टूड होगी, क्या ये स्टूड? स्टूड, S T double O D, अच्छा स्टूड, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, तो ऐसे ही ये सारी आपको आनी चाहिए, आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों आनी चाहिए, और आपको नाउन प्रोनाउन आने चाहिए, बाकी देखो ये जो ऑब्जेक्ट्स और चीजों के नाम है ना ये भी नाउन प्रोनाउन में ही आते हैं, आपको मैम से फ्रूट्स, मैं अभी बता देता हूँ, इतना पढ़ाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, घर की चीजों के नाम, ठीक है, जैसे टेबल, बेड, बेडिंग, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब, ठीक है, और प्लेट्स, है ना, ओके भैया, जितने ज्यादा नाउन में सब कुछ आता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ से फोकस बना के सब समझ लेना, मेरा एक एक शब्द पकड़ना, ठीक है? ओके ओके, ओके सर, अरे सर मेरा हो गया था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर वर्ब, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, चीजें, ये भी नाउन प्रोनाउन ही है, ओके सर, ठीक है, ये भी नाउन प्रोनाउन है और ये भी नाउन प्रोनाउन है, बीच में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट और वर्ब्स की लिस्ट, बस ये सेंटेंस बन जाता है, इट इज वेरी इजी। यहाँ पर वो आएगा जो काम करता है, जैसे सोनम जाती है ना, तो हम सोनम को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और जो वर्ब हो गया वो ये आ गया, गोज, ठीक है, किस पे जाती है, कार पे जाती है, तो कार यहाँ आ जाएगी, लेकिन कार के साथ ही ऑन या बाय लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर कार है तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा, बाय लगेगा, या और क्या लग सकता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लगेगा या नहीं लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपको आना चाहिए ना, देखो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स तो होती रहेंगी, आपने हेल्पिंग वर्ब गलत लगा दिया, ठीक है, आपने ये ऑन बाय गलत लगा दिया, ये सब जिंदगी भर सुधार चलता रहता है, ये कोई छोटी चीज नहीं है कि आपने 6 महीने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया एंड इट इज डन, नो इट इज नॉट डन, आपको पता है हर लैंग्वेज चेंज होती रहती है, यस यस नए वर्ड्स बनते रहते हैं, रोज बनते हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारे नए वर्ड्स रोज ही बनते हैं, सो इट इज नेवर कंप्लीटेड, कभी खत्म नहीं होगा, ये आपका और ये इसमें गलतियां होंगी, इसको आप ज्यादा फोकस नहीं करो, आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, नाउन प्रोनाउन आने चाहिए, चीजों के नाम आने चाहिए और वर्ब आने चाहिए, यहाँ भी चीजें लग जाएंगी, देखो कितनी इजी है, ये इस पे फोकस नहीं करना है, ये तो सारी जिंदगी चलता रहेगा आपका, ठीक है, और ये भी चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर ये है, नाउन प्रोनाउन वर्ब, क्या, या नाउन प्रोनाउन और वर्ब, ठीक है, नाउन प्रोनाउन मतलब नाम के स्पेलिंग से सोनम है, इट इज वेरी इजी ना, हमें नाम तो सबके पता ही होते हैं, तो सबसे पहले नाम वगैरह लग जाएंगे, ठीक है, फिर वर्ब्स आ जाएगा, ठीक है, वर्ब्स आ जाएंगे सारे जो भी हमने लगाना होगा ये, और फिर चीज आ जाएगी जिसके साथ सोनम काम कर रही है,
जैसे सोनम सोती है तो कहाँ सोती है, बेड पे या सोफे पे, ठीक है, उसमें ऑन लगेगा इन लगेगा ये आपको करना पड़ेगा, ये थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, लेकिन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू डू ये एक चीज, ये दूसरी ये वाली और ये तीसरा, ये तीन चीजों पे फोकस करो, हमारी स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है, फिर धीरे धीरे चलता रहता, राइट? ओके, यस राइट, यस ओके। हम जल्दी जल्दी पहले तो टेंसेस आज स्टार्ट करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है जी। टेंसेस के बारे में बेसिक नॉलेज है किसी को? टेंसेस जी भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत मालूम है, फिर देखेंगे। ओके टेंसेस, ठीक है, टेंसेस के तीन ये होते हैं ना वो, या ओके टेंसेस का बेसिक मीनिंग क्या है? टेंसेस It may be, form of verb, verb की form है, that indicates मतलब tell, इशारा करती है या बताती है, the time, time मतलब समय, ठीक है, समझ बताती है। अब वर्ब क्या है, वर्ब एक ना वर्ड का फॉर्म है, एक वर्ड होता है जो हमें टाइम का बताता है, टाइम का क्या बताएगा वो, ये नहीं है ऐसा नहीं बताएगा कि 12:30 हो गए या 12:25 हो गए, ऐसे नहीं, टाइम से मतलब है वो पुरानी बात है, अभी की बात है या नई बात है, आने वाली बात है, इसे ये टाइम के बारे में बताता है, ठीक है जी। अच्छा अच्छा जी जी हाँ। एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, इवेंट मतलब घटना, कुछ भी इंसिडेंट वगैरह होता है ना, कुछ घटित होता है तो वो इवेंट, कोई फंक्शन प्रोग्राम ये सारे इवेंट्स में आते हैं। एक्शन तो आपको पता ही है, एक्शन मतलब काम मतलब क्रिया, ठीक है, यस यस, तो जैसे सोना खाना पीना ये सारे एक्शंस हैं, किस व्यक्ति कौन सा व्यक्ति कैसा रिएक्ट करता है या क्या काम कर रहा है वो सब एक्शंस में आ जाता है, मतलब ये हमें फॉर्म वर्ब की वो फॉर्म है, ठीक है, जो हमें टाइम बताती है, एक्शन के बारे में बताती है, इवेंट के बारे में बताती है, घटना के बारे में बताती है, ठीक है, ये होता है टेंस। क्लियर हो गया? यस भैया। भैया ये टेंसेस है? हाँ, टेंस की डेफिनेशन है ये, मतलब टेंस क्या चीज है ये वो है। अच्छा ये भैया इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस ये सब बताता है वर्ब भाई, टेंस जो टाइम जो आपने बताया जो, इसका मतलब ये पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बताता है आने वाला समय। समझे नहीं आपका क्वेश्चन क्या है? कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करिए, कंटिन्यू रखें। नहीं, अपने डाउट्स क्लियर करो अगर डाउट है तो। मेरा मतलब ये है जो आपने बताया दैट इन इन द टेस्ट एंड टाइम द टाइम ये सब आपने बताया, तो जो फिर आपने बताया कि वो टाइम का मतलब ये है कि वो मतलब कल का टाइम बता रहा है या आज का टाइम बता रहा है या फिर आने वाला टाइम बता रहा है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस हो गए ना? बिल्कुल जी, मेरा यही क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन जो है ना आपका, जैसे हम अभी प्रेजेंटली ये कर रहे हैं तो आपका इसके बारे में क्वेश्चन होना चाहिए, आप उससे आगे का क्वेश्चन इसे जोड़ देते हो। नहीं, अच्छा ठीक है, फिलहाल आपको ये, देखो आपको
फोकस किस पे करना है हमें, यही आप सोनम आप ना मेहनत बहुत करते हो लेकिन आपकी जो डायरेक्शन ऑफ स्टडी है ना वो गलत साइड चली जाती है. अभी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, इट मे बी द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट. ये स्टेटमेंट मैंने बताई है, ये दिस इज अबाउट टेंस. अगर कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज टेंस, तो आपको ये आनी चाहिए डेफिनेशन. अच्छा भैया ठीक है, आप ये डेफिनेशन पे फोकस करने की जगह पर आप इसे आगे चले जाते हो, आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे चले गए हो, टाइप्स ऑफ टेंसेस पे. जी ऐसा नहीं करना, आप इसको अंडरस्टैंड करो, इसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन आस्क. ये तो मैंने हिंदी बताई थी इसकी कि पुरानी बात है, नई बात है या अभी की बात है, तीनों चीजों के बारे में ये बताता है टाइम. यस एक्चुअली टेंसेस पहली बार मैं लिखा हुआ देख रही हूँ, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है. ठीक है, तो टेंसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं देखो, अब ये सारी चीजें फोकस कर लेना प्लीज. ओके, मेन जो है वो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है. इसके अगर स्पेलिंग्स याद करने हैं तो ये फुटूरे, फुटूरे मैंने भी जब याद किया था तो मैंने इसको फुटूरे ही रीड करके याद किया था, स्पेलिंग्स कभी गलत नहीं होते. ठीक है, तो इसको आप फ्यूचर को फुटूरे करके स्पेलिंग्स आप याद कर सकते हो. राइट, सो दिस इज प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, अब इन सब में चार चार कैटेगरीज और आती है, चार चार स्ट्रीम्स आती है सब में. ठीक है, कौन सी है? एक तो सिंपल होगी, चल रहा है सब में सिंपल है, सिंपल. ठीक है, सब में क्या है? सिंपल सिंपल. उसके बाद क्या आता है? वर्क वर्ब कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हाँ लगातार. ठीक है, अब सिंपल तो मतलब बहुत सिंपल हो गया, वो हम करेंगे कि ये सिंपल क्या होते हैं वो बाद में करेंगे. कंटिन्यूअस जो चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है, पास्ट में जो चल रहा था और फ्यूचर में जो चल रहा होगा. ठीक है, कंटिन्यूअस. अब यहां पर आता है एक परफेक्ट. क्या है ये भैया? मतलब जो हो गया है, काम पूरा हो गया है, परफेक्ट. परफेक्ट या परफेक्ट? परफेक्ट राइट. इसके बाद जो लास्ट है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परफेक्ट और कंटिन्यूअस, मतलब ये एक बार हो भी चुका है और अभी भी चल रहा है. यस यस परफेक्ट कंटिन्यूअस तो मैंने पढ़ा है. स्पेलिंग्स किसी को नहीं समझ में आ रहे हैं? कैन आस्क. नहीं मुझे याद है, स्पेलिंग्स ही याद है. तो ये चार चार फॉर्म सब में आती है, प्रेजेंट में भी चार हैं, पास्ट में भी चार हैं और फ्यूचर में भी चार आती हैं. तो इसका मतलब क्या है कि टेंसेस कितने हो गए? 12. यस भैया. यस सर. ओके, अब ये जो प्रेजेंट है देखो, इसमें सबसे आसान ये होता है, सबसे आसान ये है, सबसे आसान ये है. सिंपल क्या? तो सबसे पहले हमें ये रीड करना चाहिए, ये इस पे फोकस करना चाहिए कि ये क्या क्या है. सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स और वर्ब की सेकंड फॉर्म. सबसे पहले आपको ये याद करना है, इसमें बेसिक भी आता है. अब मेरी बात ध्यान से समझ लेना सर, बेसिक आता है
एंड क्या आता है बेसिक के साथ एस ई एस और सेल्स, ये तीनों चीजें बेसिक भी आना चाहिए आपको, आपको इसके साथ एस ई एस और आई एस भी आना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ, जैसे हमने किया था सोनम गोज किया था ना, वो क्या था गो और ई एस था साथ में, जी, ये जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई बेसिक फॉर्म और साथ में ई एस, ठीक है। लेकिन आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए देखो सबसे पहले जरूरी है नाउन, जैसे हमने यहाँ पर नाउन लिखा, ठीक है, उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो लगा दिया, गो लगा दिया, क्या लगा दिया गो, गो गो, थोड़ा नीटली लिख देता हूँ इसको गो। अब ये नाउन है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जी। सबसे पहले आपको यहां से स्टार्ट करना है सोनम गो, ठीक है, सोनम गो जी, जी। क्लियर हो गया सोनम गो। अब आपको इसके साथ में ई एस नहीं आ रहा या एस नहीं आ रहा या आई एस नहीं आ रहा, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, ये होती रहेंगी जी जी राइट जी। तो अच्छा ये सेंटेंस ना, ये वाला जो सेंटेंस है सोनम गो, फर्स्ट क्या था वर्ब, अब ये सेंटेंस में मैं आवाज आ रही है सबको, यस यस आ रही है, आई अंडरस्टैंड। तो ना हमने इस चीज पे फोकस रखना है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, सो वी हैव टू स्टार्ट विद नाउन एंड वर्ब्स राइट। और अगर हमने सिंपल अभी इसका हमने सिंपल पास्ट बनाना है तो व्हाट विल यू डू सोनम, वेंट सेकेंड फॉर्म में एस ई एस या आई एस का कोई चक्कर नहीं होता, कोई लोचा नहीं होता इसमें, ठीक है, ये सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस ई एस आई एस, सेकेंड फॉर्म में आपकी कोई भी इशू नहीं है, पास्ट फॉर्म बोलते हैं इसको पास्ट फॉर्म, या तो वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है उसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ओके। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, तो कुत्ता ना चला जाए। ओके तो जैसे हमने अभी किया है सिंपल प्रेजेंट का, मैंने आपको बताया है सिंपल प्रेजेंट, हमने ये डिस्कस किया है, इसमें हमने डिस्कस किया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, आप सब जने लिस्ट ले लेना, आर यू गेटिंग एवरीवन, यस भैया, यस सर, नाउन्स प्रोनाउन्स की लिस्ट ले लेना, ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट ले लेना और वर्ब्स की लिस्ट ले लेना, याद से आपकी इंग्लिश तभी परफेक्ट हो पाएगी, ठीक है, ओके भैया। अभी सोनम का एक इश्यू चल रहा है, सोनम काफी मेहनत कर रही है और सोनम का इश्यू चल रहा है वो ये है कि सोनम मिक्स कर देती है टू डू वाला और टू बी वाला सेंटेंस, जी भैया, इसपे थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करो सोनम। एंड फातिमा जी, फातिमा जी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज आप प्रैक्टिस थोड़ी कम कर रही हो, आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, स्पीक एज मच एज यू कैन, ठीक है, ओके ओके। अभी एक चीज और करेंगे, जो टॉपिक है हमारा सॉरी जो आपका एक ग्रुप बना है रीडिंग स्पीकिंग वाला, स्पीकिंग प्रैक्टिस वाला, यस, उसमें आई विल से द टॉपिक, मैं एक टॉपिक आपको दिया करूंगा रोज ऑन द डेली बेसिस एंड यू ऑल हैव टू स्पीक अबाउट इट, आपको अपना अपना काम वो उस पे बोलना है, यस सर, ओके भैया, ओके सर, ओके। तो भैया आप उसमें कुछ भेजा करके उसके बाद आप बोला करें उस पे ग्रुप पे, या ओके
तो ये हम यहाँ बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता ही है, जैसे गो वाला हमने बनाया था, गो फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही आप लिस्ट तैयार करना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करना है, ठीक है। और सिंपल पास्ट की अभी हमने बात नहीं करनी है, हमने सिर्फ ये करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरा अभी काम नोट कर लेना सब जने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा के मुझे उसी वर्ब का, जो आपको वर्ब मिलेगा लिस्ट में, उसी का ये करना है और ये करना है, ठीक है। इतना आपका होमवर्क है। एवरीवन गॉट इट? यस भैया। बट भैया समझ नहीं पाई मैं, एक फर्स्ट वो क्या बोलते फर्स्ट, अरे यार क्या बोलते, तू हिल गई सर। यस यस आई एस सी वो करना है और आई एन जी करना है क्या सर? या आई एन जी करना है फर्स्ट। मेरा भैया मतलब ये था आई एन जी फर्स्ट फॉर्म में लग जाता है क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है आई एन जी। अच्छा भैया ठीक है, ठीक है। अभी हम क्लास यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। ओके सर, आई विल सेंड यू माय होमवर्क। या ओके, ठीक है। बाय बाय टू ऑल। बाय बाय सर, बाय ऑल। Thank you.